आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। हेलो दोस्त, हम लोग आज एक ऐसे मुद्दा पे बात करेंगे जो 99% आदमी को पता नहीं है। ये 99% आदमी को पता नहीं रहता है, ये एक कोड वर्ड है, ये किसी को पता नहीं और पता चलेगा भी नहीं। आपको हम ऐसे ऐसे चीज के बारे में बताएंगे इस चैनल के माध्यम से, आपको कभी पता चलता ही नहीं अगर आप इस चैनल पे नहीं आते तो। तो चलिए उस टॉपिक पे बात करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले आप समझ लीजिए, दो तीन मुद्दा आप अच्छा से अपने ब्रेन में जो है ना घुसा लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे जो है ना उस पर बात करेंगे। तो पहला ये कि हर एरिया में, हर क्षेत्र में अपना अपना जमीन मापने का लगी का पैमाना चलता है, यानी अलग अलग जगह पे अलग अलग लगी का मान लिया जाता है। और एक बात और जो आपको समझिए, ये आपको पता नहीं है, 99% व्यक्ति को पता नहीं है। देखिए होता है क्या, जैसे 6.5 हाथ की लगी से अगर आप देखते हैं तो एक धुर में 218.23 स्क्वायर करी होता है, लेकिन अमीन साहब जो है सो 218 ही करी लेते हैं। इनका बहुत ही कोड वर्ड है, अगर वो उतना ले, अगर पॉइंट में जमीन नापी करने जाएंगे तो वो होगा नहीं, बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और करेक्ट होगा नहीं। उसके खातिर जो अमीन सब जो है, जो अमीन साहब सब जो रहते हैं, वो 218 स्क्वायर करी ही लेते हैं, वो चलते हैं। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो एक धुर में जो है 218.23 स्क्वायर करी होता है, यानी करी स्क्वायर बोलिए या स्क्वायर करी बोलिए, ठीक है, तो करी स्क्वायर होता है, लेकिन वो लेते हैं 218। इसी प्रकार बहुत सारा, मतलब अलग अलग हाथ का जो जहां पे लगी चलता है, हर एरिया में ये होता है। आपको पॉइंट वाला जो मान छोड़ दिया जाता है, जिस प्रकार देखिए एक करी में जो है, एक करी का मान होता है 7.92 इंच। कितना होता है एक करी का मान? 7.92 इंच। तो 7.92 इंच होता है, लेकिन उसको लिया जाता है 8 करी, ज्यादा ही लिया जाता है। तो इस सब का जो है क्यों, इसलिए लिया जाता है कि 7.92 में करी का मान अगर लेगा तो नापी जो करी का, स्पेशली जो करी बढ़ता है 2-4 करी, तो 2-4-5 करी का जो मान निकालने में उसको दिक्कत हो दशमलव में, क्योंकि ये तो स्केल तो है नहीं, जो स्केल, ठीक है, सो पॉइंट में हम सेंटीमीटर देख लेते हैं या कुछ भी देख लेते हैं, लेकिन उसमें वो नहीं है। करी में सिर्फ लोहा का रहता है, आप देखते हैं उसमें कोई निशान नहीं रहता है, दशमलव में आप नहीं ले सकते, इसलिए वो 8 करी उनको लेते हैं। 7.92 इंच होने के बावजूद वो 8 करी मान के चलते हैं। तो इसका सीक्रेट है क्या, बताया है आपको, बताते हैं। देखिए होता है क्या, जब कहीं भी नापी होता है या कुछ भी, तो उसमें सिस्टम रहता है, एक सिस्टम बना दिया गया है। अगर कोई भी जो है करी में मान निकले या लफसम में धूल में निकले, ठीक है, तो उसको किया क्या जाता है कि जो मान आधा से कम रहेगा तो उसको 0 मान लिया जाएगा, और आधा से ऊपर रहेगा तो उसको 1 मान लिया जाता है, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए आपको रहेगा 1.51 रहेगा तो उसको 2 मान लिया जाएगा। तो इस प्रकार चलता है, एक ऊपर जो भी हो, ठीक है, वो मान लिया जाता है। तो आपको अभी हम आपको बता रहे हैं कि 1 डिसिमिल में अलग लगी के मान से कितना होता है, इसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे उसको सेटिंग किया जाता है, मतलब दशमलव को कैसे रिमूव किया जाता है, यानी हटा दिया जाता है। तो देखिए चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए अलग अलग लगी का मान चलता है, तो पहले हम देखिए लगी 1 डिसिमिल में जो है ना, अलग अलग एरिया में अलग अलग धूर में उसका मान निकलता है। यानी अगर धूर में हम देखें तो 1 डिसिमिल में कहीं पे एक धूर में कुछ मान आया है, और लगी का मान अगर चेंज हो गया दूसरा एरिया में, तो उस एरिया में एक धूर में जो है, मतलब सॉरी 1 डिसिमिल में धूर का मान अलग निकलेगा। यानी अलग अलग एरिया में
जहाँ पे अलग अलग हाथ का अलग ही चलता है, वहां पे अलग अलग एक डिसिप्लिन का मान जो है अलग अलग निकलेगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो देखिए चार हाथ की लगी, तो चार हाथ की लगी जहां पे चलता है वहां पे अगर जमीन को देखे तो 12.1 दूर होता है, लेकिन उसको 12 ही लिया जाता है। यानी जहां सारे जहां चार हाथ का लगी चलता है वहां पे एक डिसमिल में जो है सो 12.1 दूर होता है, लेकिन उसको वहां पे 12 धूर ही लेके चला जाता है, यानी 12 धूर ही माना जाता है। अगर साढ़े चार हाथ की बात करें तो साढ़े चार हाथ की लगी में जो है साढ़े चार हाथ की लगी से एक डिसमिल मान 9.56 होता है, लेकिन उसको जो है देखिए 9.56 है। तो देखिए दशमलव के बाद आधा से ऊपर है, यानी 50 से ऊपर है दशमलव में देखे, तो इसको कितना मान लिया, 10 मान लिया जाएगा। हम ऊपर साढ़े चार हाथ में देखे, साढ़े चार हाथ की लगी के मान में जो मान से एक डिसमिल में अगर एक डिसमिल का मान निकाले तो 12.1, लेकिन उसको 12 ही मान लिया गया। यानी कैसे, देखिए आधा से अगर कम है तो 0 मान लिया जाता है, आधा से अधिक हो तो उसको 1 मान लिया जाता है। धीरे धीरे आपको और पता चलेगा। जैसे साढ़े चार हाथ में देखें कि 9.56 धूर एक डिसमिल का मान निकला है तो वहां पे 10 धूर लिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो अगर हम पांच हाथ की लगी का मान करें, ठीक है, पांच हाथ की लगी का मान देखे, पांच हाथ की लगी का मान अगर देखें जहां पे पांच हाथ की लगी चलता है तो एक डिसमिल में कितना जमीन होता है, तो वहां पे एक डिसमिल में 7.74 होता है। कितना होता है, 7.74 होता है, लेकिन वहां पे 8 धूर लिया जाएगा। क्या है कि यहाँ आप देख सकते हैं 7.74 है, यानी 50 से ऊपर है, आधा से ऊपर है, तो उसको 1 मान लिया जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 धूर के मान लिया जाएगा। उसी प्रकार अगर हम साढ़े पांच हाथ की लगी में चलते हैं तो एक डिसमिल का मान जो है जो 6.4 आता है, कितना आता है, 6.4 धूर आता है। कितना आता है, हम अभी आपको धूर में सब बता रहे हैं, ठीक है, जितना भी बता रहे हैं एक डिसमिल का मान अलग अलग हाथ की लगी से धूर में बता रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना ख्याल रखिएगा। तो देखिये साढ़े पांच हाथ की लगी में जो है अगर साढ़े पांच हाथ की लगी से देखिए एक डिसमिल में कितना धूर होता है तो 6.4 धूर होता है, लेकिन उसको मानेंगे 6 धूर। 6.4 धूर होता है लेकिन मानेंगे कितना, 6 धूर ही मानेंगे, क्या कि ये 0 से आधा से कम है इसलिए इसको 0 मान लिया जाएगा। अगर हम चलते हैं 6 हाथ में तो जहां पे सारे मतलब 6 हाथ यहाँ पे 6 हाथ के लगी का मान चलता है वहां पे एक डिसमिल में जो है अगर मान देखे तो 5.37 होता है, 5.37 धूर होता है, लेकिन उसको मान लिया जाएगा 5 धूर। तो 6 हाथ की लगी से एक डिसमिल मान होता है 6 धूर। अगर साढ़े छह हाथ में चले तो साढ़े छह हाथ की लगी से एक डिसमिल में जो जमीन होता है यानी एक डिसमिल में जो जमीन का मान होता है 4.58 होता है, लेकिन इसको 5 धूर माना जाएगा। क्यों माना जाएगा 5 धूर, क्योंकि दशमलव के बाद ये आधा से ऊपर है। ठीक है, ये नियम है, ये नियम बनाया गया है कि इसे किया जाता है, क्योंकि ये पुराना जमाना का नापने का एक तरीका है। ठीक है, तो उसके खातिर इसको इसे, लेकिन स्क्वायर फीट में भी नापा जाता है, स्क्वायर फीट में भी नापा जाता है। स्क्वायर फीट में नापेंगे तो करेक्ट निकाल सकते हैं, या इंच में नापिए बहुत। तो आपको इस चैनल पे हम 6 तरीका से बताते हैं, आपको स्क्वायर फीट कुछ में हो आप कुछ में भी निकाल सकते हैं। जब मेरा मैथ का जो क्लास चला है उसमें आपको हर तरीका से, यानी कड़ी में नहीं, धूर कट्ठा में नहीं, आपके स्क्वायर फीट देख फलना चिलम बहुत, यानी पूरा का पूरा 6 तरीका से हम बताए। ठीक है, तो अगर आप वो मैथ का क्लास करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वहां पे मैथ थ्योरी के मैथ लाइव करके कुछ लिखा होगा उसमें, वहां पे क्लिक करेंगे तो पूरा स्टेप बाय स्टेप जो क्लास हुआ है पूरा मैथ का आ जाएगा, थ्योरी का भी उसमें दिया, थ्योरी का भी क्लास वहां से आपको मिल जाएगा। तो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को क्लिक करके आप पूरा का पूरा यानी सारा वीडियो देख सकते हैं। तो हम लोग आगे बात करते हैं, तो सात हाथ की लगी जहां पे चलता है वहां पे एक डिसमिल में, एक डिसमिल में मान देखे तो 3.95 होता है, कितना होता है, 3.95। तो इसको जो 4 धूर माना जाएगा, यानी सात हाथ की लगी जहां चलता है तो वहां पे एक डिसमिल का मान जो होता है 3.95 धूर होता है, 3.95
दूर होता है तो उसको मान लिया जाएगा चार दूर, क्योंकि ये आधा से ऊपर है। ठीक है, अगर सारे सात हाथ की लग्गी में हम चलते हैं तो सारे सात हाथ की लग्गी में जो है सो अगर सारे सात हाथ की लग्गी से एक डिसमिल में मान देखे तो वो होता है 3.44, लेकिन उसको मान लिया जाएगा सिर्फ 3, क्योंकि ये 50 से कम है, यानी दशमलव, यानी दशमलव के बाद अगर 5 रहे तो समझिए हाफ हो गया। अगर उससे नीचे पहला अंक अगर दशमलव के बाद 5 रहे तो आधा हो जाएगा 5 से, ठीक है, 5 या 5.5, जैसे 0.51 तो समझिए ये आधा से ऊपर है। ठीक है, और अगर 5 पहला अंक दशमलव का पहला अंक जो है अगर 5 से कम रहेगा तो वो आधा से कम है। अब ऐसे समझोगे, सारे सात हाथ की लगी जहां चलता है वहां पे एक डिसमिल का मान 3.44 होता है तो उसको 7 धुरी माना जाएगा, ये 3 धुरी माना जाएगा। सारे सात हाथ की लगी का मान जहां पे चलता है वहां पे एक डिसमिल में जो है 3.44 धुर निकलता है, लेकिन उसको 3.44 धुर निकलता है, लेकिन उसको 3 धुर ही माना जाएगा। और 8 हाथ की लगी में हम चलते हैं तो जहां पे 8 हाथ की लगी चलता है वहां पे एक डिसमिल में जो जमीन का मान होता है 3.025। तो देखिए दशमलव के बाद 0 आ गया, कोई अंक नहीं है, 0 है तो इसको डायरेक्ट हम 0 ही मान लेंगे। ठीक है, यानी ये आधा से कम है तो इसको माना जाएगा सिर्फ 3 धुर, इसको भी 3 धुर के कैटेगरी में रखा जाएगा, मान लिया जाएगा 3 धुर। कितना? 8 हाथ के लगी में, और सारे हम चलते सारे 8 हाथ के लगे, सारे 8 हाथ की लगी से एक डिसमिल मान होता है 2.67। कितना होगा? 2.67 धूर। सारे 8 हाथ की लगी में, सारे 8 हाथ की लगी में जहां पे चलता है उस एरिया में एक डिसमिल का मान जो होता है तो 2.67 धूर होता है, लेकिन इसको माना जाएगा 3 धूर। क्यों? क्योंकि 2.67 है, 6 आ गया ना, तो ये 6 आ गया यानी आधा से ऊपर है, तो ये क्या हो गया, इसको माना जाएगा 3 धूर। अगर हम चलते हैं 9 हाथ की लगी, तो 9 हाथ की लगी जिस एरिया में मान चलता है उस एरिया में एक डिसमिल में अगर जमीन का मान देखे तो 2.39 धूर होता है, लेकिन उसको 2 धूर ही माना जाएगा, क्योंकि ये दशमलव के बाद 3 है, 5 नहीं है, दशमलव का 5 रहता तो इसको मान लिया जाता। ठीक है, एक मतलब पूरा अगर 5 रहता तो 2.5 कुछ और रहता तो इसको 3 मान लेते, लेकिन यहाँ पे है 9 हाथ की लगी से अगर एक डिसमिल का मान देखे तो 2.39 होता है, तो इसको हम मान लेंगे 3.9 धूर होता है, तो इसको हम मान लेंगे 2 धूर। ठीक है, तो अब जितना अभी हम बताएं सब धूर में बताएं, कभी कभी हम धूर नहीं बोलते हैं, पॉइंट में बोल के आपको छोड़ देते हैं, लेकिन समझिए धूर में। तो इंडिया में तो है 9 हाथ का लगी ही चलता है, लेकिन नेपाल में जैसे 11 हाथ का लगी चलता है। ठीक है, नेपाल में 11 हाथ का लगी भी चलता है, तो इसमें इतना ही हाथ का लगी चलता है। और आप जो देखिए बहुत सारा ऐसा चीज है सो विवाद खड़ा करता है, वो सब चीज जो है सो जनता के सामने नहीं लाया जाता है, नहीं तो नापी कभी सही ढंग से नहीं होगा, मारपीट हो जाएगा। ठीक है, ये नियम है, पुराना तरीका है। ठीक है, पुराना तरीका उतना सटीक नहीं था और अभी तक चलता आ रहा है, लेकिन आने वाला समय में इसको जो है कुछ नापने का पैमाना जो है ना करेक्ट पॉइंट में भी निकलेगा। ठीक है, आने वाला समय में, और अभी भी निकाल सकते हैं, अभी हम 6 तरीका जो आपको बताते हैं, हम ऐसे ऐसे आपको तरीका बताते हैं। देखिए पहला बात तो ये समझ ले, मात्र एक ये एक ऐसा चैनल है, इस पे आपको टिप्स ट्रिक्स बहुत सारा दिया जाएगा और दिया भी जाता है। ठीक है, और आपको सब बताएगा एक तरीका से नापना, हम यहाँ पे आपको जमीन को 6 तरीका से नापना बताएंगे, 6 तरीका। आप तो किसी के मुंह से आप सुने भी नहीं होंगे कि 6 तरीका से कोई जमीन हम आपको नाप के दिखलाएंगे। ठीक है, तो आपको इस चैनल पे मिलेगा, और इस चैनल पे जो है ना बहुत सारा क्लास हो चुका है मैथ का। ठीक है, आप 6 तरीका अगर जानना चाहते हैं क्या कैसे क्या होता है, ठीक है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मैथ का वीडियो जब देखेंगे ना, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कितना तरीका से मैथ बनता है, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, और आपको तो थ्योरी का क्लास करना ही है, थ्योरी आपको नॉलेज रहना चाहिए। ठीक है, तब जाके मैथ तो नॉर्मल है, अगर आप देखते हैं स्टेप बाय स्टेप तो मैथ सीख जाएंगे। थोड़ा अमीन का मैथ थोड़ा ऐसे नॉर्मल मैथ से थोड़ा अलग रहता है, लेकिन कुछ भारी नहीं रहता है, सिंपल रहता है, बस आपको ध्यान से देखना है, उसको बार बार देखना है, बार बार देख के समझना है और सवाल को बढ़ाना है। ठीक है,
तो आप लोगों के लिए हम बहुत ऐसा ऐसा चीज कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा मटेरियल हम तैयार कर रहे हैं जो आप लोगों को जो है सो इस चैनल के माध्यम से उसको दिया जाएगा। अलग अलग अमीन का एक्सपीरियंस भी आपको, अलग अलग अमीन जो अपना फील्ड में जाते हैं अच्छा खासा, जो नहीं कम से कम तीन तीन चार चार जिला में उसका नाम चलता है, उस सब अमीन को जो है इस चैनल पे लाएंगे और अपना एक्सपीरियंस वो बताएंगे, ठीक है। वो एक्सपीरियंस जो है अपना आपको इस चैनल पे बताएंगे और आते रहते हैं, लेकिन वो जो है होता है ना कुछ तैयारी, तैयारी करने के बाद क्या है कि आपको बताएगा बहुत कुछ छूट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे है, और वो उनके माध्यम से उनके द्वारा जो है बहुत ऐसा ऐसा चीज वो कोड वर्ड बताएंगे, अपना अपना कोड वर्ड जो अमीन सैम है वो बताएंगे, और बताएंगे कि अमीन जो फील्ड में जाने के बाद अपने आप को कैसे रखा जाता है, झगड़ा को कैसे शांत किया जाता है, बहुत ऐसे ऐसे चीज पे आपसे बात करेंगे। और जो इस चैनल पे नए हैं, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो, ठीक है, अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, जिससे हमारा हर एक वीडियो जो है आप तक आसानी से पहुंचता रहेगा। और ऐसे भी जो कर लिए हैं उनके लिए उनको थैंक्स मेरे तरफ से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।